ये स्टेथोस्कोप देख रहे हैं आप, सिर्फ एक टेस्ट और आप इसको डिजर्व कर सकते हैं। मुझे इस वक्त इंस्टाग्राम पे आप लोगों की तरफ से 1000 प्लस मैसेजेस आए हैं और उसमें से जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो ये थे कि हम लास्ट डेज में रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें या प्रैक्टिस पे, एक क्वेश्चन। और दूसरा ये था कि हमने जो चीज़ें याद की हुई हैं वो हमें भूलना शुरू हो गई हैं, वो चीज़ें मिक्सअप होना शुरू हो गई हैं, तो इससे किस तरह टैकल करें। तो इस वीडियो में हम इन दोनों क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड पे मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स भी दूंगा जो आप एमडीकेट वाले दिन अप्लाई करके अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि आपको आखिरी दिनों में प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए या रिवीजन ज़्यादा करनी चाहिए। देखिए, प्रैक्टिस जो है आप लोग दो महीनों से कर रहे हो, आप टेस्ट सॉल्व करते थे आपकी प्रैक्टिस होती थी, आप FLP सॉल्व करते थे आपकी प्रैक्टिस होती थी, आप प्रैक्टिस बुक सॉल्व करते थे आपकी प्रैक्टिस होती थी, लेकिन रिवीजन आप दो महीनों से नहीं कर रहे। रिवीजन के लिए आपको ये आखिरी हफ्ता मिला है, तो इसमें रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपने दो महीनों में पढ़ा है अगर आप उसको इस हफ्ते में अच्छे से रिवाइज करके अपने माइंड में फ्रेश कर लोगे और MDCAT वाले दिन वो चीज़ आपके माइंड में फ्रेश होगी, आप उसको रिट्राइव करके करेक्ट आंसर मार्क कर लोगे। लेकिन अगर MDCAT वाले दिन आपके माइंड में जो दो महीने आपने चीज़ें पढ़ी हैं वो फ्रेश ना हुई, तो आपको दो महीने मेहनत करने का कोई खास फायदा नहीं होगा। तो रिवीजन पहले आती है, आपने रिवीजन अच्छे से करनी है और दिन के एंड पे जो आपको टाइम मिलता है रिवीजन के बाद, उसमें आप कोई ना कोई FLP सॉल्व कर लें या अपने MCQs की प्रैक्टिस कर लें। लेकिन अगर आपको इन दोनों में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी है आखिरी दिन में, तो मैं कहूँगा कि आप रिवीजन अच्छे से करें, क्योंकि अगर चीज़ें आपके माइंड में फ्रेश होंगी MDCAT वाले दिन, आप उसको रिट्राइव करके करेक्ट आंसर मार्क कर लोगे। और अब दूसरा क्वेश्चन कि हमने जो चीज़ें याद की हुई थी वो हमें भूलना शुरू हो गई हैं, हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं आता, मिक्सअप होना शुरू हो गया हर चीज़, अब हम क्या करें। देखिए, आपने अगर कोई FLP सॉल्व किया या टेस्ट सॉल्व किया, आपको कोई MCQs भूल गया है, आपने क्या करना है, आपने टेंशन लेने की बजाय आपने बुक से देखना है कि यार इस MCQ का करेक्ट आंसर क्या था, आपने बुक से एक दफ़ा उसको रीड कर लेना है। जो चीज़ आप आज बुक से रीड करोगे वो आपको कल या परसों नहीं भूलने वाली, इतनी जल्दी कुछ नहीं भूलता। आपको जो चीज़ें भूली होंगी वो आपने एटलीस्ट एक हफ्ता पहले पढ़ी होंगी और एक हफ्ते के बाद आपको वो अब चीज़ भूल गई होगी, लेकिन जो चीज़ आप अब दोबारा रिवाइज कर लोगे एक दफ़ा, वो आपको आज या कल या परसों में नहीं भूलेगी। और हमें सिर्फ वो चीज़ MDCAT तक अपने माइंड में रिटेन रखनी है। अगर MDCAT के बाद वो चीज़ भूलती है तो भूल जाए, हमें सिर्फ MDCAT तक रिटेन रखनी है। तो इस माइंडसेट के साथ आपको जो चीज़ें लगता है कि माइंड से थोड़ी सी स्किप हो गई हैं, उनको एक दफ़ा बुक खोल लो, दोबारा उसको पढ़ लो और MDCAT तक वो आपके माइंड में रिटेन रहेंगी, आप MDCAT में उसका करेक्ट आंसर मार्क कर पाओगे। और इसके अलावा तीसरी बात एक मेरी तरफ से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि MDCAT वो लोग क्रैक करते हैं जिन्हें अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस होता है कि यार हमने पढ़ा है, जो भी MCQs आएगा हम अपने नॉलेज की बेस पे उसे किसी ना किसी तरह ठीक कर लेंगे। ये मैटर नहीं करता कि आपने ज़्यादा पढ़ा है या कम पढ़ा है, अगर आपने कम पढ़ा है और आप उस पर कॉन्फिडेंट होना यार मैंने जो मेहनत की है ना मैं इसी से MDCAT क्रैक करूँगा, और आप इस एटीट्यूड के साथ अपने एग्जाम हॉल में जाते हो आप MDCAT क्रैक करके बाहर आओगे। लेकिन अगर आपने दुनिया की हर किताब पढ़ी हुई है और आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो कि यार जो मैंने पढ़ा है पता नहीं इससे MDCAT क्लियर होगा कि नहीं होगा, देन जो आपको चीज़ें आती होंगी ना वो भी आपके माइंड से स्किप होना शुरू हो जाएंगी और आप वहाँ पर फेल हो सकते हो। तो सबसे ज़रूरी बात है कि आपकी तैयारी कम है या ज़्यादा है, आपने उस पर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, अपने आप पे खुद पे यकीन करना है, क्योंकि अगर आप खुद ही खुद पे यकीन नहीं करोगे तो दुनिया आप पे कभी यकीन नहीं करने वाली। तो सबसे पहले खुद पे यकीन करना है, यार जो मैंने पढ़ लिया है वो मेरे लिए काफ़ी है, मैं इसी से MDCAT क्रैक करूँगा, मैंने मेहनत की है अपनी तरफ से और जो मेरी मेहनत का सिला है वो मुझे अल्लाह ने देना। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं होती उस पर स्ट्रेस नहीं लेना होता, आपने अगर स्ट्रेस लेना है तो अपनी तैयारी पर स्ट्रेस लेके मैं मज़ीद तैयारी करूँ, रिजल्ट पर स्ट्रेस नहीं लेना कि रिजल्ट है उसका किस तरह है, रिजल्ट आपको अल्लाह ने देना है। और ये बात याद रखें कि अल्लाह आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं करता, आप जब अल्लाह से मांगते हो तो अपनी मेहनत के मुताबिक मांगो कि मैंने इतनी मेहनत की है मुझे इतने मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन जब अल्लाह नवाजेगा तो अल्लाह अपनी शान के मुताबिक नवाजेगा और वो शान आप शुमार नहीं कर सकते। तो स्ट्रेस इस चीज़ का नहीं लेना कि मेरे मार्क्स पता नहीं कितने आएंगे, स्ट्रेस अगर लेना है तो बस इस चीज़ का कि जो दो तीन दिन मेरे या एक दिन मेरे हाथ में है मैंने इसको बहुत अच्छे से गुजारना है, मैं अपना इंसानी सतह पर रहते हुए जितनी कोशिश कर सकता हूँ मैंने वो कोशिश करनी है और उसके बाद मैंने अल्लाह पे छोड़ देना है और इंशाल्लाह अल्लाह मुझे मेरी मेहनत का बेहतरीन सिला देगा। और जब आपने MDCAT वाले दिन एग्ज़ाम हॉल में जाना है तो इस कॉन्फिडेंस के साथ जाना है कि यार मैंने एडमिशन लेके ही इस हॉल से बाहर निकलना है, इस कॉन्फिडेंस उस वक्त आपने डरना नहीं है कि पता नहीं किस तरह का MDCAT आएगा, जिस तरह का भी आएगा, आसान आएगा मुश्किल आएगा, आपने तैयारी की है आप उसको क्रैक कर लोगे। और एक आखिरी बात कि आपने MDCAT वाले दिन स्ट्रेस किस तरह अवॉइड करना है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, अपनी बायोलॉजी समझने की ज़रूरत है कि आपकी जो बॉडी है ना उसमें होते हैं स्ट्रेस हॉर्मोन्स। अगर आप MDCAT से एक दिन पहले यानी सैटरडे को स्ट्रेस ले रहे हो ना MDCAT का, सोच सोच पता नहीं कैसा MDCAT आएगा और मेरे से होगा कि नहीं होगा, तो
आपके सैटरडे से ही आपकी बॉडी में स्ट्रेस हॉर्मोन्स के लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे और वो फिर एक दो दिन तक इंक्रीज ही रहते हैं, मतलब कि वो एमडी कैट के टाइम भी इंक्रीज ही होंगे और आपको ऑटोमेटिकली स्ट्रेस फील होगा। तो सैटरडे का दिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट डे है, आपने उसमें अपने माइंड को काम रखना है, ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप करना है कि मैंने जैसी भी तैयारी की है मैं इसी तैयारी के साथ एमडी कैट क्रैक करूंगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो आपने तैयारी की हो सारे एमसीक्यूज उसी में से आए, एमडी कैट बहुत आसान आए और आप सिर्फ अपने स्ट्रेस की वजह से जो आप एक दिन पहले से ले रहे थे, आप बगैर एमडी कैट का क्वेश्चन पेपर देखे जो आप पहले से स्ट्रेस ले रहे थे कि पता नहीं एमडी कैट कितना मुश्किल आएगा, सिर्फ उस स्ट्रेस की वजह से आप आसान एमसीक्यूज भी गलत कर दो। तो इस तरह नहीं करना, आपने एक दिन पहले अपने आप को काम रखना है कि यार जिस तरह का भी एमडी कैट आया, आसान आया मुश्किल आया, मैंने तैयारी की हुई है, मैं उसको अटेम्प्ट करूंगा, मैं उसको क्रैक करूंगा। तो एक दिन पहले एमडी कैट से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक दिन पहले जब आप रात को अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेंगे तो जब आप बुक्स बंद कर देंगे उसके बाद आपने एमडी कैट का नहीं सोचना, उसके बाद आपने अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना है, आपने हैप्पी रहना है, खुश रहना है ताकि स्ट्रेस हॉर्मोन्स के लेवल आपकी बॉडी में कम रहें एक दिन पहले, ठीक है। और नेक्स्ट डे भी आप जब सुबह टेस्ट के लिए जा रहे हो तो अपने आप से पॉजिटिव बातें करनी है कि जैसा भी एमडी कैट आएगा मैं उसे क्रैक कर लूंगा। सुबह एमडी कैट के वक्त जाते हुए ये नहीं सोचना कि पता नहीं कितना मुश्किल है, अगर आप ये सोचोगे तो आप टेस्ट देने से पहले ही अपना स्ट्रेस बिल्डअप कर रहे हो, जो कि आपने नहीं करना। आपने टेस्ट से पहले जितना पॉजिटिव अपने आप को रख सकते हो आपने रखना है। एंड इसी के साथ विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, जैसा भी एमडी कैट आएगा आपने खुद पर यकीन रखना है कि मैं इसको क्रैक कर लूंगा।